Welcome to the Kapil Sharma Show. अरे पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के निकला था मैं वॉक करने गया पीछे कुत्ता पड़ गया भाग के आ रहा हूँ मेरी वॉक पीछे रह गई नानी प्लेट तोड़ दी तूने अरे नहीं कप्पू तुझे पता है प्लेट का टूटना बहुत अच्छा शगुन होता है देखना कोई ना कोई मेहमान जरूर आएंगे और तू भूल गया कप्पू जब ग्लास टूटा था मेरा देवर आया था जब ढोंगा टूटा था तेरी बुआ आई थी जब प्लेटें टूटी थी मेरा जीजू आया था तेरे रिश्तेदार तो सारे है ही मनहूस उसमें कुछ तोड़ फोड़ के आते हैं एक दो तो दरवाजा तोड़ के आ गए थे यहाँ तो रोज दिल टूटते हैं फिर भी कोई नहीं आता किस दिन मुंह तोड़वा के देख दो चार लोग पता लेने आएंगे तेरा और ये सब बातें हैं हमारे घर में चार पाई टूटी थी तब तो कोई नहीं आया था क्यों चार पाई टूटने के बाद तू नहीं आ रहा दुनिया में कैसे मन उस बात की है मेरा गिलास टूट गया है लगता है मेरे घर में भी मेहमान आने वाले हैं कोई ना कोई तो आने वाला लग रहा है मेहमान आएंगे एक तो ना दुनिया में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी नहीं चाहिए थी प्लेट नीचे नहीं गिरनी चाहिए थी ऐसे ऊपर जाके किसी के मुंह पे लगनी चाहिए थी कप्पू कदर करो ऐसी पड़ोसन किस्मत वालों को मिलती है मेरे घर की ना मेरे घर की किस्मत पे नजर डाल के देख मैंने तेरी किस्मत लाल कर देनी है देख तू मेरे कप्पू को हाथ तो लगा के देख गंदी चाय मैंने तेरे मुंह पे मारनी है ओए खबरदार अगर मेरी चाय को किसी ने गंदा कहा तो मैंने कब तेरी चाय को गंदी कहा उसको नहीं पता किसकी चाय गंदी है आपके पिताजी की डॉक्टर से भी ज्यादा गंदी है मेरी चाय सही बात है लगता ही डॉक्टर की बेटी ऐसा लगता है किसी ने स्पॉन्सर की है अब ऐसा अगर मेरी बेटी का मजाक उड़ाया तो हंस क्यों रहा है फिर बात चाहे मेरी बेटी की है लेकिन है तो मजेदार और स्पॉन्सर जैसा मुंह उसका तो मुंह फिर भी स्पॉन्सर किया है किसी ने तो अपना मुंह देख सारे स्पॉन्सर मुकर जाएंगे बात कर रहा है बता बदमाश मैंने यहीं पे थूक बह के मारने तेरे मुंह पे डॉक्टर साहब अगर मुंह पिचकारी जैसा ना इसका ये मतलब नहीं कि थूक फेंकते रहो यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं दफा हो जाओ इधर से इसमें तो मेरी इंसल्ट होगी ना जो तुम्हारे लेफ्ट में खड़ा उसके बारे में कुछ बोलो दफा हो जाओ इधर से ये तो क्रिएटिविटी की हद होगी यार चल बेटी स्पॉन्सर थे सन मेरे को गुस्सा आ रहा पर मेरी हंसी नहीं रुक रही बात अच्छी है शाबाश कपूर शाबाश शाबाश किस बात की नहीं मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है ना तेरे नाना की शाबाश पड़ी थी वही दे दी उसे संभाल के रखना सुहागरात में दिया था उन्होंने मुझे चल नौटी कहेंगी चल एक कप चाय पिलाओ घर में दूध नहीं है चंदू तू चाय पिला दे मेरा मूड नहीं है आप आए हैं इस बगिया में फूल खिले हैं शांतिवन शांतिवन भाई मोहल्ले में मेहमान है तुमने मुझे बताया नहीं तुम चौकीदार हो तुम्हें क्या बताया मैंने कहा जी नमस्ते वहां का तेरे डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ हम कहीं गलत इलाके में तो नहीं आ गए ये यहाँ पे कप जी मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा क्यों नहीं मांगा अभी कल 2000 रुपए मांगा था आपने चक्कर की कटोरी मांग के गए परसों मेरा कच्चा ले गए मेरा साइकिल मांग के ठीक है मांगा था मैंने यार सॉरी पर तुमने कुछ दिया तो नहीं ना सुनिए कैसे हैं आप मेरी छोड़िए आप कैसे हैं आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे हाय और भाई तो झूठ क्यों बोल रहे हो कॉलेज
असलियत तो सबको मालूम है, बात करने का सलीका होता है, सबको पता है, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं। मतलब? बड़ा याद आई तुम मुझे। वैसे मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं। What a coincidence! मेरी भी वाइफ बाहर गई हुई है बहुत टाइम से। लगता है आप दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। कॉलेज में थे भाई। कॉलेज तो आप कभी गए नहीं, आपने कभी बताया नहीं मेरे को। ये कौन सा भी कॉलेज में एमए करके हटी है, ये भी तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन में काम करती थी। डॉक्टर साहब आपका इतना प्यार था तो आपने शादी क्यों नहीं कर ली? ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से नहीं हो पाई। आपको शर्म नहीं आती? कॉलेज में पीते थे आप? मैंने ये पीते थे। मुझे सारी सारी बातें याद है, कुछ भी नहीं भूला। मैं मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, इसी बात पे शेर याद आ गया। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्या होता है? कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। लेकिन मैं सब समझता हूँ। अच्छा, इतना ही समझता होता तो पहले आ जाता तो। मीट माय पति चीकू। ये तुम्हारा पति है? हाँ जी। ऐसे तुमने नौकर रखने छोड़ दिए? चलो कोई बात नहीं, पहले मुझे जेलसी हो रही थी, मुझे सिम्पथी हो रही है। मैं ना मशीन में कपड़े डालकर आई थी धुलने के लिए, धुल गए होंगे, मैं जरा सूखने के डाल दूं। हाँ। और सुनो, हाँ, सफेद कमीज को नील मत देना, सोने का पानी चढ़ाना। 1.5 लाख की शर्ट पहनता हूँ मैं। ये देखो, मैं पाजी इसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको पता है इसके पास इकट्ठा 100 रुपए आ जाए ना तो घर में ढोलकी रख कर ना सारी रात फंक्शन करते रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो हमारे घर में नाच नाच के उसी फंक्शन से अपने घर का खर्चा चलाते हैं। पाजी आप ना मेरी दुकान पर उबलती हुई चाय टॉप एंगल से देखें ना, बिल्कुल इसके मुंह के जैसे बनती है। अगर नीचे से देखेंगे ना आपको बर्नर नजर आएगा, वो इससे खूबसूरत होता है। यार शर्मा, ये लो 150 रुपया, चार बातें बोलो यार इसके मुंह पर। ये तो 50 रुपए हैं, तो 100 रुपए उधार कर लो ना, बोलो सही। ठीक है, बोलो। मैंने सोच ली, मैं बोलूंगा तब जब बाकी की पेमेंट आएगी। यार वो बोलना जो मुझे कल बोला था। क्या वो तेरा मुंह डायपर जैसा? नहीं यार, इससे भी गंदा था। जो इससे भी गंदा तो वही होता है जहाँ पे डायपर लगता है। इसका पैसा वसूल है जी, और शुगर सोसाइटी में कोई मुंह के लिए बंदा आया है, मैं तो सच्ची थक गया। चाहे जितने मर्जी मुंह आ जाए बेटा, तुझे ही मुंह की खानी पड़ेगी। और बात सुन, तू जानता नहीं मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ। तो इज्जत भी कमाओ थोड़ी सी। इज्जत तो आनी जानी चीजें आ ही जाएगी, मेहमान आए कुछ चाय पिला। अच्छा यार। कुछ भी बोलता है। ओहो, अंदर कपड़े डालने की कोई जगह नहीं है, कहाँ डालूं? इतने पैसे वाले आदमी हो, बीवी तुम्हारी पैदल जा रही है, इधर बग्गी क्यों नहीं रखवा लेते? अपने काम की फिक्र पड़ गई, मैं बग्गी रखूं तो इसको घोड़े का काम मिल जाए। वाह, देखो बात तुम्हारी मेरी हो रही है, बीच में चंदू को क्यों ला रहे हो? हाँ तो सही बात है, जब गधे पैसा कमा रहे तो घोड़ों को मौत पड़ी हुई है। अरे अरे, हेलो, कौन हो तुम? क्या कर? आप यहाँ क्या कर रही है? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, वो घर में जगह नहीं है ना कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ डालने के लिए आई थी। सुनिए, पुराने गिले शिकवे सब भूल जाइए, ये पेड़ हमारा है। तो कोई बात नहीं, मैं शाखाओं पे कपड़े डाल देती हूँ। हमारी कोई शाखा नहीं है, हम ओरिजिनल है। सुनिए, आप आज के आज ऐसी बातें कर रहे हैं कि रेगुलरली ऐसी बातें करेंगे? ये लीजिए चाय। मैंने आपको कहीं देखा लगता है। दूसरों को देखने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ये तो वही बात होगी कि उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कहावत उल्टी है। कहावत उल्टी बोल रहे हैं, काम थोड़ी उल्टे करते हैं हम। ओए चंदू, अब तक जितने लोगों ने मुझे जो बोलना था बोल दिया, अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? खबरदार, हमारे चंदू को कुछ बोला तो। चंदू ने चंदन, चंदन नाम है मेरा। अगर मैं तुम्हें सरलू कहूँ तो। खबरदार, अगर तूने मेरे बेटे को कुछ बोला तो मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ देनी है। मैंने ये तेरे घुमा घुमा के मारना है ये। आई समझ तेरे को? यार मेरी बात आई समझ के नहीं आई, तू नहीं आना मेरे पास। ये लो 10 रुपए, इसकी बेटी को छेड़ूलाल चार बातें बोलो।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को छोटेलाल बोलने की? डॉक्टर भी तो बोलता है आपको, उसकी तो बेटी को छेड़ता हूँ मैं। हाँ, तुम्हारे गरीबों के पास और देने के लिए है क्या? बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हम क्यों भूल जाएं, हमारा तो अच्छा चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हम सारा परिवार अब मिलजुल कर रहेंगे, सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटेंगे। और कहते हैं कि अगर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा जाए ना, अच्छा, अच्छा, तो देवता फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसा है? देवता फूलों की वर्षा। मेरी बीवी पे कूड़ा डाला, मेरी नानी पे चलाया तू। मैं आपकी दाल में कूड़ा डाल दूंगी। मैं आपके कूड़े में आपी का दाल डाल दूंगी। मैं आपकी दाल और कूड़ा मिक्स करके ना सबको एक एक कटोरी खिला देनी मैंने। बस चले यार, लड़ते रहते यार, कोई नई बात करो, चलो हाथा पाई करते हैं। तो मोमल, मोमल जब आप, तो जब आपको कहा गया कि आपको ये कैरेक्टर करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप एक इंडियन फिल्म में किरदार निभा रही हैं? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि ये भीख मांगने का टाइम है। अरे हाय अली, हाय अभय, हाय मोमल, हाय डायना। कप्पू, क्या इशारे कर रही है? अच्छा हाय, आप लोग सब यहाँ ऐसे कैसे? वो तो अपने टैलेंट के दम पे आई, तू ऐसे कैसे? ये सामान लेके कहाँ जा रही है तू? अरे मैं अकेली नहीं जा रही, मैं तो वही तो इशारा कर रही थी, तुम्हें बुला रही थी, चलो ना साथ में भाग चलते हैं। हाँ हैप्पी को देखो, भाग के कितनी खुश है। तो वो बाय नेचर भी ऐसी है ना, तेरे साथ तो जॉनी लीवर भी भागे ना, वो भी सीरियस एक्टिंग करना शुरू कर दे। मेरे साथ भाग जाओ, ऐसा कैसे भाग जाओ? तुम बस हमेशा अनरोमांटिक बातें कर लो, डायना को देखो कॉकटेल में कितनी रोमांटिक थी। अच्छा आपको पता है ये आपकी कॉकटेल फिल्म देख के इसको बाद में पता चला कॉकटेल किसको कहते हैं, नहीं तो पहले इसको लगता था मुर्गे की पूंछ को कहते हैं। बैठो बैठो आ जाओ। कब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे भगाते क्यों नहीं हो? मैं तो कब से कह रहा हूं भाग, यहां से भागती नहीं है। क्या चल रहा है? एक मिनट, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। कपिल शर्मा, हाय, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर मशहूर गुलाटी, BJGM। BJGM मतलब? बहुत ज़्यादा गुस्से में। ये क्या है यहाँ पे? कपिल शर्मा मेरी बेटी को पका के लेके जा रहा है क्यों भाई? और ज़्यादा सुनो, कप्पू गुलाटी बनने की कोशिश नहीं करनी तू इधर आ। पापा, हाँ? पापा लेकिन शादी के बाद ये कप्पू गुलाटी नहीं, मैं सल्ला शर्मा बनूंगी। मेरी बात सुनो, आपस में शर्मा गुलाटी गुलाटी शर्मा करते जा रहे हो, मेरे से तो पूछ लो, मेरे को करना नहीं, मैं कोई नहीं भगा रहा, आपकी बेटी मेरे को भगाने आई है यहाँ पे। मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर रहा, ये सच बोल रहे हैं जी? मेरी बेटी भगा रही थी। बेटी ने तो मुझसे सेटिंग की थी, पता नहीं इधर क्या क्या हो रहा है। तुम्हें अपने दुख रोए जा रहे हो यार, यहाँ पे हर आदमी परेशान ही बैठा है। ज्यादा नहीं बोलना, मैंने नाल मार के अपना सिर फोड़ लेना। मैं बता रहा हूँ, ये भगा रही थी मेरे को, ये भगा रही थी। अच्छा, एक तो तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ जैसी है, ऊपर से हरकतें भी तुम्हारी माँ जैसी, भागने वाली बातें कर रही थी। ये तो मैं डराने के लिए लाया था। भाई डॉक्टर साहब इधर बैठे खड़े क्यों? थैंक यू सो मच। ऐसे कौन बिठाता है भाई? अरे बैठो आराम से बैठो, हमारे गेस्ट आए हैं। सारा मेरा जयपुर से ला दिया तुमने। ए, मेरी लाइफ के ऊपर है ये फिल्म। आपकी लाइफ? मेरी वाइफ भी भागी थी आपकी फिल्म में, भी हैप्पी भाग रही है, तो सेम। आपने वैसे पहले भी फिल्में बनाई हैं मेरी लाइफ के ऊपर, अभय जी? कौन सी? वो बनाई थी ना, ओलो। ओ, वो लकी लकी होए। आप चोर हो? मैं आप चोरी करते हो? बस अपने मुंह से क्या कहना।
तो आप अबे जी मेरी लाइफ के ऊपर फिल्में बनाते जा रहे हैं, तो राइट्स की बात कर रहे हैं थोड़ी सी. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्टोरी. मेरी स्टोरी बात उन दिनों की है जब एक सेकंड सर, आपकी स्टोरी सुनते सुनते चाय पीते हैं. आइए सर, हम लोग वहाँ पे एंजॉय करते हैं. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. आइए आइए, दुबई टी स्टॉल से आपको चाय पिलाते हैं, रेत मिला के. आइए दुबई टी स्टॉल, आइए प्लीज बैठिए, मेरी स्टोरी का मजा लीजिए. बात उन दिनों की है जब मैं सोचा करता था कि मैं हैंडसम, खूबसूरत क्यों नहीं हूँ. मेरी शादी हुई और मेरी शादी को अभी 15 मिनट ही हुए थे कि आप कौन है? मैं मशहूर गुलाटी पेंचर वाला. मेरा ट्यूबों की सर्जरी का काम है जी. हाँ जी, लेकिन रिश्ते के लिए तो हमें राजेश खन्ना की फोटो दी थी. आपने अच्छी फोटो मांगी थी, हमारे पास वही एक अच्छी फोटो थी, हमने भेज दिया आपको. अच्छा. हाँ जी. और आप पंचर का काम करते हैं? हाँ जी. यस. ये बात तो सहेलियों को बताने में हमें बड़ी शर्म आएगी. तो दोस्तों को बता देना फिर. अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना काम चेंज कर दूंगा आपके लिए. अच्छा. या मैं ना, मेरे मामा जी हैं, उनका बिजनेस है, वो अपना बैगरगिरी करते हैं चौक पे, मैं उनके साथ बैठ जा करूँगा. आप भीख मांगोगे? मेरे को आती है. अच्छा. हाँ जी, तो आई विल जॉइन दैट. ठीक है फिर. ठीक है. अच्छा, हम बहुत थक गए हैं. हाँ जी. हमें नींद आ रही है, तो हम लोग सो जाएं? आप इस बेड पे सोएंगी? हाँ. ऐसे तुम्हारी कोई बात नहीं हुई थी? हमारी शादी हुई है, बेड देने की बात नहीं हुई थी. बेड पे मैं ही सोऊंगा, आप नहीं सो सकती इस बेड पे, इतना सा बेड है, दो लोग कैसे सोएंगे? लेकिन इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? पति पत्नी साथ में रहते हैं. पति कहाँ से भैया, हमारी शादी हुई है, ये तो शादी का नाजायज फायदा उठा रही हैं आप. नहीं नहीं, पति पत्नी कोई नहीं, आई एम जस्ट मशहूर गुलाटी. आप ऐसा नहीं कर सकती. ओके, आप जरा यहाँ बैठिए, हम पानी पूरी खा के आते हैं. पानी पूरी? जी हाँ. इस वक्त? ओ, जैसे मुझे ड्रिंकिंग हैबिट है, आपको भी मतलब पानी पूरी की रात को हैबिट्स है. ओके ओके, नाइस नाइस, आई डोंट माइंड. ठीक है जी. हाँ, वो पानी पूरी वाला बाहर बाइक पे हमारा वेट कर रहा है. बाइक पे वेट कर. एक मिनट वेट रही. ये बैग उठा के पानी पूरी कौन खाता है भाई? कौन का आपसे क्या मतलब है? आपको दिखने ना कि हम जा रहे हैं. ओके. वैसे आपके पास 1 लाख रुपए होगा? 1 लाख तो नहीं है मेरे पास. हाँ, उससे थोड़े कम है. ये 35 रुपए है मेरे पास, ये रख लीजिए. एक्चुअली हाँ, 35 भी चलेगा. ठीक है, शुक्रिया, मैं आती हूँ. जल्दी आना. अभी तक आई नहीं. ओहो, अभी तक आई नहीं. कहीं भाग गई इसका मतलब? भाई वाली सर भाग गई? नहीं. डॉक्टर साहब, आपकी दुख भरी कहानी सुन के मेरे को बड़ा मजा आया. मजा आया? बहुत ज्यादा. कोई बात नहीं, अगर आपको इतने में मजा आया इस टुच्ची कहानी में, सोचो जब हैप्पी भाग जाएगी, फुल फ्लेज्ड भागने की स्टोरी है, उसमें कितना मजा आएगा भाई. हैं? हैप्पी भाग जाएगी कि पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां. डायना, अवे, अली और मोमल के लिए जोरदार तालियां. तो जाने से पहले एक सेल्फी. अली, ये हमारा रिश्ता. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस ब्रो, आई गेट इट. कहां से दबाते हैं? दबाओ. इधर आइए डॉक्टर साहब. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.